हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनोद जांगड़ा एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो अपडेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी और ये आपके निकली हुई है इसरो में। तो सबसे पहले थोड़ा इसरो के बारे में जान लेते हैं कि इसरो क्या है। तो इसरो ये आपका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसरो को बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जो इसरो जो है उपग्रह यानी सेटेलाइट्स का रिसर्च करता है। कुछ दिन पहले आपने देखा भी था कि चंद्रयान 2 हमने चंद्रमा पे भेजा था, तो वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा गया था? वो आपके इसरो के द्वारा भेजा गया था। तो इसरो डिपार्टमेंट है ये, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये आपकी जॉब रहेगी। काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी इसमें स्मार्ट सैलरी रहेगी, बहुत ही सुपर ये आपके लिए जॉब रहेगी। तो सभी विद्यार्थियों से मैं रिकमेंड करूँगा, जो जो विद्यार्थी इस भर्ती के अंदर एलिजिबल हैं वो जरूर फॉर्म अप्लाई करें, चाहे पोस्ट कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम पोस्ट देखेंगे कौन कौन विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये आपका रहेगा पोस्ट कोड, उसके बाद में आपका फील्ड रहेगा किस फील्ड में काम करना है, उसके बाद में वैकेंसियाँ देखेंगे, उसके बाद में रिजर्वेशन, उसके बाद में आपका इंसेंशियल क्वालिफिकेशन और मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ये देखिए, पोस्ट कोड आपकी एक है, उसके बाद में आपका फील्ड है और टोटल पोस्ट कितनी है 50, ये आरक्षण दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है, यानी जिन विद्यार्थियों ने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से की हुई है वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है, यानी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और SC/VT वाले विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें ओनली NC/VT विद्यार्थी हैं वो एलिजिबल रहेंगे, यानी NC/VT से जिन विद्यार्थी ने आईटीआई की हुई है। तो ट्रेड कौन कौन सी रहेगी इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स फ्रॉम NC/VT, यानी तीन या चार प्रकार की अलग अलग तरह की मतलब ट्रेड्स हैं ये, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं। तो इनके लिए टोटल पोस्ट कितनी है 50 है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये आपकी है पोस्ट कोड 2, फिटेड ट्रेड रहेगी, टोटल कितनी पोस्ट हैं 17 है। यह आपका रिजर्वेशन रहेगा, इसमें जिन विद्यार्थी ने फिटर ट्रेड से NC/VT से ITI की हुई है वो विद्यार्थी ही इसमें एलिजिबल है। और सिलेक्शन जो प्रोसीजर सभी का रहेगा, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में पोस्ट कोड आपका 3, उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन, और टोटल पोस्ट आपकी 11 रहेगी। और इसमें जिस विद्यार्थी ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से NC/VT से ITI की हुई है वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है। उसके बाद पोस्ट कोड 4 है प्लम्बर, जिस विद्यार्थी ने NC/VT ITI प्लम्बर से की हुई है वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है, टोटल पोस्ट रहेगी 5। उसके बाद में पोस्ट कोड 5 रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग यानी R&AC, जिस विद्यार्थी ने RAC से NC/VT से ITI की हुई है वो विद्यार्थी एलिजिबल है, टोटल पोस्ट है आपकी 8। पोस्ट कोड 6 और यानी टर्नर ट्रेड से ITI, उसके बाद में रिजर्वेशन, और जिस विद्यार्थी ने टर्नर से ITI NC/VT से की हुई है वो विद्यार्थी एलिजिबल है, टोटल पोस्ट आपकी रहेगी 3। उसके बाद में मशीनिस्ट ग्राइंडर, टोटल पोस्ट कितनी है 3, रिजर्वेशन, जिस विद्यार्थी ने मशीनिस्ट ग्राइंडर से ITI की हुई है NC/VT से वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वैकेंसियाँ थोड़ी हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों से मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा, ठीक है ना। तो पोस्ट कोड 8 देख लेते हैं, MMV यानी मोटर व्हीकल मैकेनिक एक पोस्ट रहेगी, उसके बाद में ये आपका रिजर्वेशन है और ये आपकी NC/VT से ITI होनी चाहिए मोटर मैकेनिक से। उसके बाद में है आपकी पोस्ट कोड 9 फोटोग्राफिक डिजिटल फोटोग्राफिक एक पोस्ट रहेगी, जिस विद्यार्थी ने NC/VT ITI फोटोग्राफिक से की हुई है वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं। मशीनिस्ट ट्रेड एक पोस्ट, ITI NC/VT मशीनिस्ट ट्रेड से, और पोस्ट कोड नंबर 11 रहेगा। इलेक्ट्रो प्लेटिंग एक पोस्ट रहेगी, ITI NC/VT इलेक्ट्रो प्लेटिंग से। उसके बाद ट्रेड कोड 12 वेल्डर एक पोस्ट, ITI NC/VT वेल्डर ट्रेड से। तो प्रिय विद्यार्थियों, वैकेंसी एक बार फिर बताऊंगा, कम है लेकिन अच्छी है, तो ज़रूर अप्लाई करें, आपका ये अनुभव रहेगा। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे।
पोस्ट कोड 13, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 3 पोस्ट, आईटी एनसीवीटी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट, तो ये नीचे वैकेंसी हम पढ़ेंगे, जिस विद्यार्थी ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 ईयर का किया हो उन विद्यार्थियों के लिए रहेगी। तो ये देखिए मैकेनिकल 13 पोस्ट है, और जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन से मैकेनिकल डिप्लोमा किया हुआ है 3 ईयर का, वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से 17 पोस्ट, फर्स्ट डिवीजन से डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से है। कंप्यूटर साइंस से 5 पोस्ट, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से है। उसके बाद 17 नंबर देखेंगे पोस्ट कोड, ऑटोमोबाइल 1 पोस्ट, डिप्लोमा ऑटोमोबाइल से आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल से है 2 पोस्ट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद में है इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेशन 2 पोस्ट, और ये भी आपका डिप्लोमे के लिए। उसके बाद सिविल से 1 पोस्ट, ये भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से। तो ये मैंने प्रिय विद्यार्थियों आपको बता दिया है। आगे है आपकी ये लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, ठीक है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स। तो इसकी मैं पूरी जो PDF जो रहेगी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। और ये यहाँ पे फायरमैन की भी दी हुई अलग से 4 पोस्ट है। तो फायरमैन के लिए प्रिय विद्यार्थियों क्या है, अलग से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के उसके अंदर आपको भेजना है, यानी डाउनलोड करना है फॉर्म भरते समय, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। वो भी आपको ये जो कंडीशन दी हुई है काफ़ी कंपल्सरी है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या क्या है इसमें, और ये आपका रहेगा, ये सारा मैंने आपको बता ही दिया है। एज देख लेते हैं, तो पूरा एज देख लेना, 18 से 35 है, 18 से 26 साल, 18 से 35 है, तो वो अलग अलग इसमें दिया हुआ है। जैसे टेक्निकल हमने देखा था टेक्नीशियन बी ग्रेड, यानी 18 से 35, यानी ये आपका स्केल रहेगा IT विद्यार्थियों के लिए, 21,700 रुपये पर मंथ, इसमें अलाउंस वगैरह और काफ़ी है, यानी जो सैलरी लगभग आपकी 30-35 हज़ार के करीब इसमें पर मंथ रहेगी। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन की ये देखिए यहाँ पे 15-2-2020 से लेके 6-3-2020, यानी आपको जो समय दिया गया है वो काफ़ी कम है, तो समय रहते हुए ज़रूर ये फॉर्म अप्लाई करें। और ये जो वेबसाइट है ये नोट कर लीजिए, www.isro.gov.in पे जैसे ही आप क्लिक करोगे गूगल के अंदर तो ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, और उसके अंदर जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि प्रिय विद्यार्थियों, मोबाइल पर फॉर्म को न फिलअप करें, आप किसी कैफ़े पे जाइए, अच्छी तरह फॉर्म फिलअप करिए। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हुए थे, सर मेरे रोल नंबर नहीं आए, सर मेरे रोल नंबर नहीं है। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल के ऊपर ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, कुछ गलती कर देते हैं तो वो उनका जो रोल नंबर है वो जनरेट नहीं हो पाता। तो फॉर्म भरते समय काफ़ी अच्छी सावधानी से, और जहाँ भी आप फॉर्म भरवाते हो तो उसके साथ साथ आप भी फॉर्म को देखिए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं स्पेलिंग है, कहीं और है, Gmail ID है, फ़ोन नंबर है, काफ़ी जो इसके अंदर भी बताई हो भी ये जो चीज़ें हैं वो आप अच्छी तरह इनको देख ही भरें। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे आवेदन जो शुल्क जो रहेगा, पेमेंट आपको कितनी करनी है, तो आपकी जो इसमें करना है 250 रुपये, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये रहेगा जर्नल और OBC के लिए या फिर EWS कैंडिडेट के लिए ही, 3 कैटेगरी इसमें बताई गई है कि उनकी जो फीस लगेगी वो 250 रुपये लगेगी, यानी 250 रुपये। तो आपको जो फीस भरनी है वो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। ये फॉर्म जो आपको ऑनलाइन आवेदन है इसमें करना है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, ये इन्होंने बताया है कि भी पहले आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होने के बाद में एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 60% मार्क्स जो रहेंगे वो लेने आपके लिए कंपलसरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया है कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया। फिर भी अगर इस PDF की रिक्वायरमेंट रहती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, एक बार चैनल पर जरूर विजिट करें, अगर चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। एक मेरा फेसबुक पेज भी रहेगा IT टेक्निकल जोन, वहाँ से जाके भी पेज को आप लाइक कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपको, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।